The clothes of religion. Politics is presenting itself in the garb of religion. और उसके लिए first part में से कि आज दुनिया में अगर जब हम देखते हैं तो दो प्रकार की हिंसा ऐसी है जिसको धर्म से जोड़ा जाता है. एक हिंसा तो आप लोग जानते होंगे भारत में लगातार होती रही है, वो मुंबई के 1992 के दंगे हो, गुजरात का 2003 का नरसंहार हो, 2002 का नरसंहार हो, या मुजफ्फरनगर 2013, या कंधमाल का 2008. ये सब हिंसा जो हुई उसे मोटे तौर पर सांप्रदायिक हिंसा, कम्युनल वायलेंस कहा जाता है. दूसरी जो हिंसा है वो दुनिया के स्केल पे है, उसके प्रभाव में दुनिया के बहुत सारे देश, भारत भी उसके प्रभाव में है, और उसे जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट होता है, बॉम्ब फटता है, कई लोग मारे जाते हैं, वो एक आतंकवादी हिंसा. ये दोनों आप आसानी से समझ सकते हैं. तो एक तरफ सांप्रदायिक हिंसा, एक तरफ आतंकवादी हिंसा. सांप्रदायिक हिंसा में ऐसा लगता है कि जैसे ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, ये हिंदू क्रिश्चियन की लड़ाई है. आतंकवाद में ज़्यादातर एक फॉर्मूला प्रचलित है कि आतंकवाद का संबंध इस्लाम से है, मुसलमानों से है. मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि इस प्रकार की, दोनों प्रकार की हिंसा का किसी भी धर्म के नैतिक मूल्य से कोई संबंध नहीं है. अभी बात तो मैंने कह दी, पर इसको सिद्ध करने के लिए मैं भारत के तीन बड़े धर्मों का एक एक नैतिक मूल्य आपके सामने रखूंगा. और तीन जब अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा. मेरे हिसाब से भारत के तीन बड़े धर्म हैं हिंदू, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी. ओके, यस नो. अब ये तीनों धर्मों को जब हम देखते हैं तो पहला मैं मूल्य लेता हूँ जो है वसुधैव कुटुंबकम. और ये वसुधैव कुटुंबकम शब्द कौन से धर्म से है? हिंदू धर्म से है. वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? कि पूरी पृथ्वी के लोग मेरा परिवार है. तो मैं सांप्रदायिक धर्मों के दौरान बाकी समय में सोचता रहा हूं कि कैसे इतने लोग इस प्रकार की हिंसा को अपने धर्म से जोड़ लेते हैं. वास्तव की समझ तो यह है, अगर मैं एक अच्छा हिंदू हूं तो मैं दुनिया के सभी लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानूंगा, और दुनिया के सभी लोग अगर मेरे परिवार का सदस्य हैं तो उनका धर्म इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्ध धर्म है, या वो लोग नास्तिक हैं, जो भी वो धर्म को मानते हैं नहीं मानते वो सभी मेरे परिवार का भाग है. तो उनके साथ नफरत करने का कोई आधार ही पैदा नहीं होता, पहली बात. दूसरा, ईसाई धर्म की एक बहुत महान शिक्षा है, अपने पड़ोसी से प्यार करो. कितना? अपने पड़ोसी से उतना ही प्यार करो जितना आप अपने आप से करते हो. इसमें भी बाकी ये नहीं है कि अगर आपका पड़ोसी ईसाई है तो उससे प्यार करो, नहीं तो उससे नफरत करो. ईसाई के लिए ये बात क्लियर है कि मेरा जो भी पड़ोसी होगा, उसका कोई भी धर्म होगा, मैं उससे अच्छे से पेश आऊंगा. ऐसा एक तीसरा नैतिक मूल्य है जो आपने समझना चाहिए. तो तीसरा नैतिक मूल्य इस्लाम से है, और वो नैतिक मूल्य है जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखे पेट सोता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे. तो मेरी राय है कि तीनों नैतिक मूल्य एक दूसरे से मेल खाते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, उनमें कोई विरोधाभास नहीं है. ऐसे ही आज के समय में जब धर्म के नाम पर हिंसा होती है तो वो हिंसा समाज के लिए एक बहुत बड़ा कारण है. और ये इसी को समझने के लिए मैं एक घटना आपके सामने रखना चाहूँगा. वो घटना ऐसी है, 2013 की घटना को मैं हमेशा प्रस्तुत करता हूँ. पूरे 2013 के साल में कई खराब घटनाएं पढ़ने को मिली. साल की शुरुआत में मैंने पढ़ा पाकिस्तान में लाहौर में कई क्रिश्चियन लोगों की बस्ती को जलाया गया और कई क्रिश्चियन लोग उसमें मारे गए. ये खबर पड़ी, बहुत खराब लगा. उसके 3 महीने बाद ही पढ़ने को मिला कि भारत, उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर में कई मुसलमानों के गांव जलाए गए, कई मुसलमानों की हत्या हुई.
बात यही खत्म नहीं हुई। एक जगह मैंने पढ़ा ईसाई लोग मारे गए पाकिस्तान में, पढ़ा भारत में मुसलमान मारे गए, बात यही खत्म नहीं हुई। तीन चार महीने बाद पढ़ने को मिला कि बांग्लादेश की हिंसा में कई हिंदू मारे गए, और वहां से मैंने पूरा अवलोकन किया। तो पहली बात जो मेरे दिमाग में आई कि सांप्रदायिक दंगों में जो लोग मारे जाते हैं, सांप्रदायिक दंगों में मारे जाने वाले लोग गुनाहगार ज्यादातर नहीं होते, ये लोग ज्यादातर बेगुनाह होते हैं। बेगुनाह होने के बावजूद उनको मारा जाता है। वास्तव में हमारी सभ्यता तो हमें हर एक व्यक्ति का आदर करने को सिखाती है, बेगुनाह को खास तौर से संरक्षण देने की बात करती है। इट टॉक्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द वीक पीपल एंड द इनोसेंट पीपल। फिर भी सांप्रदायिक दंगों में ये लोग क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि उनमें उनके मन में, समाज के मन में, यहां मैं कह रहा हूं, एक विशेष भावना आ गई है कि अल्पसंख्यक जो है उनके बारे में कुछ धारणाएं, स्टीरियोटाइप, मिथ्स, उनका कुछ लेबलिंग हो जाता है कि ये लोग इस प्रकार के हैं, ये लोग खराब हैं, इनमें ये अब दोष है, और ये बात फर्जगान को देखने को मिलती है। मैं इतना कहना चाहता हूं इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये बात मैं इस आधार में कह रहा हूं क्योंकि मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, म्यांमार की बात कर रहा हूँ, और हर जगह दुर्भाग्यवश यही पैटर्न देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जो बेगुनाह हैं, उनको इसमें मारा जाता है। और इसका संबंध एक प्रकार के राष्ट्रवाद से भी है, जिस राष्ट्रवाद के बारे में हम बात करना चाहेंगे, एक धर्म के नाम का राष्ट्रवाद पूरे दक्षिण एशिया में उभरा है। भारत इसमें काफी आगे था। भारत में पहले जो राष्ट्रवाद की कल्पना थी, वो राष्ट्रवाद की कल्पना पूरी तौर से धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक कल्पना थी। आज उस कल्पना को पीछे ढकेलकर एक धर्म के नाम के राष्ट्रवाद को सामने किया जा रहा है। तो पूरे दक्षिण एशिया में जो हम हिंसा देखते हैं धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ, वो इसी राष्ट्रवाद का एक भाग है, और उसी हिंसा में इन लोगों को पहले लेबल किया जाता है। जैसे मैं अपनी बात को केवल भारत तक सीमित रखूंगा, भारत में खास तौर से एक तरफ मुसलमान, एक तरफ ईसाई, इन दोनों पर जिस प्रकार की वारदातें, हमले, हिंसा हुई है, वो काफी दुखदायक है। और साथ में ये भी देखने की बात है कि ये हिंसा का आधार एक नफरत होती है, नफरत का आधार गलत समझ होती है। यानी पहले अल्पसंख्यकों को उनके बारे में एक गलत सोच रखना, उसके बाद उस गलत सोच के कारण नफरत आती है, और वो नफरत के कारण कुछ लोग हिंसा, वायलेंस करवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों अपनी बात के पहले भाग में मैं दो तीन ऐसी चीजें लेना चाहता हूँ जो भारत में बहुत प्रचलित हैं और उनका संबंध अल्पसंख्यकों से है, इनका संबंध इतिहास से है और उसको आज के अल्पसंख्यकों से जोड़ा जाता है। आपने सुना होगा, कई लोग हम इस बात को सुनते हैं बार बार बहुत से, कि खास तौर से मुसलमान राजाओं के बारे में एक बात कही जाती है कि भाई वो आए, उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और हिंदू धर्म का अपमान किया। इस बात को मैं मान्य करता हूँ कि कई हिंदू मंदिर तोड़े गए, पर आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कई मस्जिदें भी तोड़ी गई, कई मंदिरों को दान भी दिया गया, कई मस्जिदों को भी दान दिया गया। ये पूरी प्रक्रिया को हम जब देखते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि मंदिर तोड़ने के पीछे किसी प्रकार का धार्मिक कारण नहीं था। कई बार ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि ये धर्म के कारण हो रहा है, पर आपको बता दूं कि जो ऊपर से दिखता है उसका सच होना जरूरी नहीं होता। सच्चाई को समझने के लिए ऊपरी परत, ऊपरी लेयर्स, आउटर लेयर्स को खोलकर सच्चाई को देखने की जरूरत है। उसमें एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। आप लोगों ने सभी अभी पढ़ा होगा पिछले साल, उसके पहले साल, कि दिल्ली में एक रोड था जिसका नाम था औरंगजेब रोड। औरंगजेब रोड का नाम बदला गया और कहा गया कि देखो औरंगजेब तो बहुत खराब, खतरनाक, खूंखार, हिंदू विरोधी राजा था। यहां आगे जाने के पहले ऐड कर दूं कि जैसे औरंगजेब की ये समझ ये भारत में है, इसकी इसके पूरी उल्टी समझ औरंगजेब के बारे में पाकिस्तान में है।
पाकिस्तान में माना जाता है कि यहाँ होने वाले राजाओं में सर्वश्रेष्ठ धार्मिक राजा कोई था तो औरंगजेब है। तो सच्चाई क्या है, राजाओं की सच्चाई को किस प्रकार से समझा जाए, तो उसके लिए देखिएगा ये बात बिल्कुल सच है कि औरंगजेब ने एक बार काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़वाया था। और उसका कारण क्या था वो कोई देखता नहीं है, कारण आप गहराई में देखिएगा तो एक खास कारण था जिसके कारण वो तोड़वाया गया। उसी के साथ ये भी आप देखिएगा कि जिस औरंगजेब ने काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़वाया, उसी औरंगजेब ने आसाम में गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर को दान दिया। तो है ना कंफ्यूजिंग बात, एक जगह एक मंदिर को तोड़वा रहा है, दूसरी जगह कई मंदिरों को दान दे रहा है। कामाख्या देवी का मंदिर एक है, उज्जैन का महाकाल का मंदिर तीसरा है, वृंदावन का भगवान कृष्ण का मंदिर चौथा है। इस प्रकार से बहुत सारे मंदिरों को औरंगजेब ने दान दिए। और आपको सुनकर हैरानी होगी, जो औरंगजेब मुसलमान था, जिसने कई मस्जिदों को बनवाया या दान दिया होगा, उसी औरंगजेब ने एक बार गोलकुंडा में एक मस्जिद को भी तोड़वाया था। ये बड़ी अजीब बात है। तो मैंने चारों सात चीजें आपके सामने रख दी, एक जगह मंदिर को तोड़वा रहा है, दूसरी जगह दान दे रहा है, मस्जिद बनवा रहा है, मस्जिदों को तोड़वा रहा है। तो आखिर मामला क्या है, कि मस्जिद तोड़ने के मामले से बात थोड़ी स्पष्ट हो जाती है। दोस्तों हुआ यूं कि एक बार गोलकुंडा जो हैदराबाद के पास है, गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने 3 साल तक औरंगजेब को लगान नहीं दिया। आप तो सब जानते होंगे लगान का मतलब है टैक्स, लगान जो गरीब किसान देता है जमींदार को, जो जमींदार देता है राजा को, राजा देता है महाराजा को। तो हमारे समाज में जो शोषण की प्रक्रिया है वो गरीब किसान से चालू होकर महाराजा तक जाती है। तो गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने 3 साल तक औरंगजेब को लगान नहीं दिया। औरंगजेब ने पूछा कि भाई क्या बात है, आपने 3 साल तक लगान नहीं दिया। तो तानाशाह कहता है हुजूर मेरे राज्य में अका, जिसको अपन अंग्रेजी में ड्राउट कहते हैं, है, मेरी प्रजा मुझे लगान नहीं दे रही, मैं आपको लगान कहां से दूं। औरंगजेब काफी चालाक राजा था, उसने अपने जासूस भेजकर पता लगाया कि तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। तो आगे की बात आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब उस मस्जिद को तोड़वाकर वहां से संपत्ति लेकर आता है। तो मुख्य पॉइंट, औरंगजेब ने मस्जिद तोड़वाया जब, तो उसने इस्लाम का अपमान किया या उसको संपत्ति चाहिए थी, उसको संपत्ति चाहिए थी। ऐसे ही विश्वनाथ के मंदिर में एक रानी के ऊपर बलात्कार हो गया था, इसलिए हिंदू राजाओं ने मांग की थी कि यह मंदिर अपवित्र हो गया, इसको आप तोड़वा दीजिए। तो मंदिर में एक कारण जैसे मस्जिद को तोड़ने के लिए संपत्ति उसको हासिल करना था, ऐसे ही कई मंदिर इसलिए तोड़े गए कि उनमें संपत्ति के बड़े बड़े भंडार थे। आप तो जानते होंगे, आपने तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा, आपने शिरडी साईं बाबा का नाम सुना होगा। एक जानकारी अगर नहीं है तो याद रखिएगा, एक मंदिर है केरल में, केरल में मंदिर है, उसका नाम है भगवान पद्मनाभ का मंदिर। इस मंदिर में 7 चैंबर हैं, 7 चैंबर में से केवल 6 चैंबर खोले गए हैं, और उन 6 चैंबर में जो पूरी संपत्ति है वो है करीब 1,00,000 करोड़। मेरा विश्वास कीजिए ये बहुत बड़ी संपत्तियों के भंडार हमारे मंदिरों में होते थे। और इसलिए एक बार गजनी से महमूद गजनवी एक भी 17 बार आया, बार बार आके सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले गया। तो उसका कारण क्या था, उसका कारण उसकी संपत्ति था। ऐसे एक हिंदू राजा की बात बता दो, 11वीं शताब्दी कश्मीर में एक हिंदू राजा थे, उनका नाम था राजा हर्षदेव। ये विवरण जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कवि कन्नड़ की किताब राज तरंगिणी से बता रहा हूँ। तो राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे का निर्माण किया, और इस ओहदे का शीर्षक टाइटल था देवोत पतन नायक। क्या मतलब होगा इसका आप समझ सकते हो, इसमें 3 शब्द है, पहला शब्द है देव, दूसरा शब्द है उत्पतन, तीसरा शब्द है नायक। तो इस पूरे शब्द का मतलब क्या हो गया, वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़ता है। अब सभी मूर्तियों को उखाड़ेगा क्या वो, नहीं, आगे लिखा हुआ है भाई वही मूर्तियों को उखाड़ना तोड़ना उठा के लाना राज दरबार में, जो मूर्तियां सोने चांदी की बनी हैं, जो मूर्तियों में हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं,
पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ सकते हो, तो ये हिंदू राजा कर रहा है, तो ये भी संपत्ति का मामला है। और तीसरा अंतिम जो घटना आपको बताना चाहता हूँ अपना, वो है, वो एक प्राचीन भारत से है। प्राचीन भारत के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण अच्छी किताब है, वह टेम्पल डिस्ट्रक्शन इन एंशिएंट इंडिया। क्या मतलब हो गया? प्राचीन भारत में मंदिरों का तोड़ा जाना। पहले याद रखिए, प्राचीन भारत में मुसलमान राजा नहीं थे, क्योंकि इस्लाम सातवीं शताब्दी से अस्तित्व में आया, तो सातवीं शताब्दी के पहले मुसलमान नहीं थे, मुसलमान राजा नहीं थे, तो मंदिर इन्होंने तोड़े। तो ये किताब हमको बताती है, जब दो हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, तो सोचिए हिंदू राजा आपस में लड़ते थे या नहीं, यस। मुसलमान राजा आपस में लड़ते थे कि नहीं, यस। आज हमारे दिमाग में कुछ हिंदू मुसलमान की बात आ गई तो ये सरल सी बात हमको कठिन लगती है। हिंदू राजा हिंदू से भी लड़ता था, मुसलमान से भी लड़ता था, उसको तो अपने राज्य का विस्तार करना पड़ता था। तो जब किताब बताती है, जब दो हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता के मंदिर को तोड़कर खुद का कुल देवता मंदिर बनाता था। क्यों भाई? दो कारण थे, एक हारे हुए राजा का अपमान करना, दूसरा प्रजा को संदेश देना कि अब से यहाँ का राजा मैं। तो मोटे तौर पर मंदिर तोड़े जाने के बारे में, मस्जिद तोड़े जाने के बारे में जब इतना समझ सकते हैं, तो ये सत्य को जो भ्रमित कर दिया गया है उसको राजाओं से जोड़कर आज के समाज तक लाया गया है, ये प्रक्रिया भी हम थोड़ा समझ लें। उसके पहले इतना बता दूं कि वास्तव में सभी प्रकार के धर्मस्थलों को इतिहास में तोड़ा गया, कई अलग अलग धर्मों के राजाओं ने तोड़ा, पर उसके पीछे मुख्य जो कारण थे वो दो, एक कारण था सत्ता और दूसरा कारण था संपत्ति। यही हमने एक बात को क्लियर कर ली, इट इज वेरी बेसिक फैक्ट बट वी ट्राई टू इग्नोर इट। वो बेसिक फैक्ट क्या है? राजा लोग राज्य क्यों करते थे? दो ऑप्शन है उसके पास, एक ऑप्शन मैं पूछ रहा हूँ, राजा लोग राज्य करते थे धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए, दूसरा मैं कह रहा हूँ राजा लोग राज्य करते थे सत्ता और संपत्ति के लिए। तो आप कौन से ऑप्शन को चुनेंगे? सत्ता और संपत्ति का। और आज हमारे दिमाग में धर्म और राजा को जोड़ दिया गया है। पाकिस्तान में मुसलमान राजाओं को पुरोहित कहते हैं या हिंदू राजाओं को महान कहते हैं, ये पूरे प्रकार से इतिहास का गलत प्रस्तुतिकरण है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इतिहास के जो असली बनाने वाले हैं, आम लोग, किसान, मजदूर, महिलाएं, आदिवासी, दलित, उनका इतिहास, इतिहास में उनकी जगह लाना चाहिए। और ये राजा की बहादुरी, रानी की सुंदरता, इसके चारों तरफ जो इतिहास है, मेरे ख्याल से वो हमें आगे इतिहास में, भविष्य में कहीं नहीं ले जा सकता। खैर, तो ये इतिहास आखिर आया कैसे? बहुत सरल बात है, आपको याद होगा 1857 में भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह, बड़ी क्रांति हुई। और आप जानते होंगे 1857 की जो क्रांति हुई उसकी चिंगारी लगाने वाले व्यक्ति का नाम था मंगल पांडे। धर्म को आप सोचते जाइए कौन से धर्म का है, चिंगारी लगाने वाला मंगल पांडे और उसका नेतृत्व करने वाला बाद में जो आया व्यक्ति उसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। यानी क्या? हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई। और जब उनकी सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने सोचा अगर हमें यहाँ राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो, राज करो। और इसी के चलते ऐसा इतिहास दिखाया गया जिसके कारण हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हो, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए नफरत पैदा हो। तो ये बात हो गई मोटी सी। अब दूसरा, धर्मांतरण के बारे में भी बहुत कहा जाता है, इस्लाम से धर्मांतरण, ईसाई धर्म में धर्मांतरण, दोनों चीजों को मोटे तौर पर बताना चाहूंगा और उसके एक सवाल के रूप में रखूंगा। सवाल ये है, बताइए मुसलमान राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो जब मैं कहूँगा मुसलमान राजाओं की राजधानी दिल्ली में है, दिल्ली में थी, तो ये बात सही है या गलत? मुसलमान राजाओं की राजधानी दिल्ली में थी, पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत की सबसे पहली मस्जिद जो बनी वो दिल्ली में नहीं बनी, वो बनी थी केरल में, केरल के मलाबार तट पर
चेरामल जुमा मस्जिद ये भारत की पहली मस्जिद है और केरल में कभी भी किसी मुसलमान राजा का राज्य नहीं था। तो सवाल उठता है वहां मुसलमान राजा का राज्य नहीं था तो मस्जिद कैसे बनी। दोस्तों केरल के मालाबार तट पर अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहां का सामान लाकर यहाँ बेचते थे, यहाँ के सामान वहां ले जाते थे। राजा को टैक्स मिलता था, राजा खुश था और उस हिंदू राजा ने वहां एक मस्जिद बनाने की अनुमति दी, मस्जिद को बनवाया। तो ये मोटे तौर पर समझने की बात है। वैसे ये भी बता दूं, स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि एक जो लोकप्रिय धारणा है कि मुसलमान राजा तलवार लेकर आए, कुरान लेकर आए, तलवार से डराया, कुरान को लाद दिया, ये जो धारणा है ये पूरी तरह गलत है। और इसका जवाब हमको जो मिलता है वो मिलता है स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाएं खंड 8 पृष्ठ 330 में ये बताते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। यहाँ के शूद्रों ने, यहाँ के अछूतों ने वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो भारत के 80% जो मुसलमान हैं वो यहाँ के दलित समाज से आए हुए हैं। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर अपने 3 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, वैसे बहुत सारे दलितों ने वर्ण व्यवस्था की जकड़, वर्ण व्यवस्था के अत्याचार को छोड़कर दूसरे धर्मों का अंगीकार किया है। और मैं ये बात मानता हूँ, अपने धर्म का चुनाव करना, अपने धर्म को बदलना, ये हमारा नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार है। ये धर्म को बदलना किसी प्रकार से गलत बात नहीं होती। ऐसा ही एक आपको प्यारी सी घटना बता दूं, आपको पता होगा भारतीय फिल्म जगत के एक महान संगीतकार हैं जिनको बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, ए आर रहमान जो है उनका पहला नाम था दिलीप कुमार। वो एक हिंदू थे तो हिंदू से मुसलमान कैसे बने? क्या ओसामा बिन लादेन ने आकर उनको बॉम्ब दिखाया कि तू मुसलमान बन जा? गलत, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या हुआ, ये बहुत दुखद घटना है, दिलीप कुमार के पिताजी को कैंसर हो गया। दिलीप कुमार बहुत व्यथित रहते थे, दुखी रहते थे, परेशान थे, तो ऐसे इसमें उस शांति की तलाश में निकले, बाई चांस उनका संपर्क एक सूफी संत के साथ आया और सूफी संत के मानवतावादी विचारों में आकर उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो ऐसे ही बहुत सारे धर्मांतरण के किस्से होते हैं। खासतौर से मैं ईसाई मिशनरी स्कूल में बोल रहा हूँ, यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि भारत में भी ईसाई धर्म फैला, उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, कितना फैला, क्यों फैला, उसकी 2-3 बड़े उदाहरण बताना चाहूँगा। और एक बात बता दो कि अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा क्रिश्चियन समाज ज्यादा पुराना है, भारतीय या अमरीकी, तो आपका क्या जवाब होगा? भारतीय क्रिश्चियन समाज ज्यादा पुराना है। अमेरिका तो खुद बाद में बना, भारतीय ईसाई समाज की शुरुआत यहां से होती है AD 52, यानी आज से करीब 1950 साल पहले। क्या हुआ, ईसा मसीह के एक साथी थे, उनका नाम था सेंट थॉमस कुछ लोगों के साथ मिलकर मलाबार तट पर आए और उन्होंने वहां पहले चर्च की स्थापना की। तो सन 52 से लेकर इस साल तक ईसाई मिशनरियां काम कर रहे हैं। और आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार ईसाइयों की संख्या भारत में जो है वह है 2.3। तो मेरा सवाल उठता है, सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए, तो भारत में ईसाई मिशनरी करीब 1900 साल से काम कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा लोग बोलते हैं कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1900 सालों में कितने लोगों को उन्होंने कन्वर्ट किया? 2.3। तो अगर उनके काम का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन अगर किया जाए तो उनको इस परीक्षा में पास करना चाहिए या फेल करना चाहिए? 2.3 से आप में से कोई पास नहीं हो सकता, वो सिर्फ मिनिस्टर्स के बेटे का काम है। आपको पास होने के लिए कम से कम 33% हमारे समय में रखते थे, आजकल पता नहीं 50 है कि 33 है। तो 2.3% का जो मामला है, मेरे हिसाब से समाज में कन्वर्शन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। अब मोटे तौर से इंप्रेशन किया जाता है
कि हिंदू मुसलमान हमेशा लड़ते रहे। तो यहाँ मैं दो सीरियल्स की आपको बात बताना चाहता हूँ और ये दोनों सीरियल में से कई सीरियल आपने देखे होंगे और उसमें एक सीरियल के आधार पर मैं अपनी बात को आपके सामने रखना चाहूँगा। आपने देखा वो भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, पहले तो ये सोचिए महाराणा प्रताप जी की कल्पना में भारत था क्या, उस समय भारत इंडियाइजेशन करने की था क्या। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, उनका झगड़ा अकबर से था क्योंकि अकबर एक एम्पायर स्थापित करना, साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और ये दोनों की लड़ाई हुई। तो इस सीरियल में जैसे बताते हैं कि मानो राणा प्रताप हिंदू धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, ये बात पूरी गलत है। आपको बता दूं राणा प्रताप जी और अकबर की लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान का जायजा लीजिए, हल्दी घाटी के मैदान में आप देखेंगे तो हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की फौज है पर अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है। तो अकबर के बदले कौन है, अकबर के बदले जो व्यक्ति है उसका नाम है राजा मानसिंह और राजा मानसिंह के जो असिस्टेंट है, सेकंड इन कमांड है, उनका नाम है शहजादा सलीम। तो इधर राजा मानसिंह और शहजादा सलीम और राणा प्रताप के सेना में राणा प्रताप खुद नेतृत्व कर रहे हैं और राणा प्रताप के जो असिस्टेंट थे, सेकंड इन कमांड थे, उनका नाम था हकीम खान सूर। तो जरा ख्याल कीजिए दोनों तरफ हिंदू है, यस, दोनों तरफ मुसलमान है, यस। तो ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की है या दो राजाओं की है, दो राजाओं की है। ये लड़ाई धर्म के लिए है या सत्ता के लिए, सत्ता के लिए। और आज हमारे दिमाग में इसको एक धर्म के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है। तो यही से एक आजादी के आंदोलन के दौरान क्या था, आजादी के आंदोलन के दौरान वास्तव में भारत के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। और आपने पढ़ा होगा अपनी किताबों में एक शब्द आपके सामने आता है, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग। तो दो प्रकार के राष्ट्रवाद की कल्पना आजादी के आंदोलन से शुरुआत होती है। अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने आधुनिक परिवर्तन लाए, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न जेलिंग सिस्टम एक्सेट्रा। और इसी के साथ जो तीन नए वर्ग बने, एक था व्यापारी उद्योगपति वर्ग, दूसरा मजदूर वर्ग, तीसरा आधुनिक शिक्षित वर्ग। ये आधुनिक भारत का कल्पना करने वाले तीन वर्ग थे और जो पुराने वर्ग थे जो समाप्त नहीं किए गए, राजा नवाब जमींदार दरबार, इनकी तरफ से धर्म के नाम का राष्ट्रवाद आया। तो आज दो प्रकार के राष्ट्रवाद की कल्पनाओं का संघर्ष है, एक राष्ट्रवाद जो भगत सिंह कहते हैं नौजवान भारत सभा, एक राष्ट्रवाद जो अम्बेडकर बताते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से, और तीसरा सबसे बड़ा जो आजादी के आंदोलन का जिसने नेतृत्व किया उसके चार व्यक्तियों का नाम मैं आपको बता दूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। ये चारों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, उसी के लीडर्स थे। तो इस तरफ जो लोग हैं वो भारत की बात कर रहे हैं और जो राजा नवाबों से संगठन आए वो धर्म के आवरण में अपने राजनीतिक संगठनों को रखते हैं। तो याद रखा लीजिए, आपको पता होगा मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपने सुना होगा, उनकी पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। विनायक दामोदर सावरकर की पार्टी का नाम था हिंदू महासभा। ऐसे ही हिंदू राष्ट्र को लेकर आज एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। इतना आपको बता दूं कि इधर मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और हिंदू राष्ट्र में विश्वास करने वाले ये लोग पुराने वर्गों के मूल्यों को नई भाषा में सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इधर के लोगों ने भगत सिंह गांधी अम्बेडकर ने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत का सपना देखा, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की बात की। इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में भाग लिया, देश के निर्माण में मूल्यों का, आंदोलन का, क्रांति का साथ दिया और उसी के कारण भारत भारत बना। मुस्लिम लीग, मुस्लिम राष्ट्रवाद को मानने वाले, हिंदू राष्ट्रवाद को मानने वाले आजादी के आंदोलन से कोसों दूर रहे और उन लोगों में आपसी काफी एक प्रकार का तालमेल था, दोनों के मूल्य मिलते जुलते हैं। वो लोग जैसे इधर के लोग कह रहे भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, तो मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने कहा हम तो रेडीमेड राष्ट्र है, जब से मुसलमान राजाओं का राज्य है हम यहाँ एक मुस्लिम राष्ट्र है।
Please note, you are students, you should know that nation state is a modern concept. पहले अगर आप देखिए तो मनुष्य के समाज का विकास होता गया. Man was initially hunter food gatherer, शिकार करता था, फल फूल जमा करता था, उससे जीवन बसर करता था. उस समय भारतीय संविधान नहीं था, ह्यूमन राइट्स नहीं थे, सिविल लिबर्टीज नहीं थे, माइट इज राइट चलता था. उसके बाद समाज आया जिसको हम कहेंगे पशुपालक समाज, पेस्टोरल सोसाइटी, नोमैडिक ट्राइब्स. लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कि कहाँ हमको ज्यादा अच्छी जमीन घास मिलती है ताकि हमारे जानवर उसमें विकसित कर सकते. और वैदिक काल में जो चित्रण है वो इसी नोमैडिक समाज का है. उस समाज में किस प्रकार के कानून थे? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटरनिटी, नो. एक प्रकार से कास्ट सिस्टम डेवलप हो रहा था, ऊपर नीचे की डेफिनेशन डेवलप हो रही थी. इसके बाद आता है सेटल्ड एग्रीकल्चर. एक जगह पर रहकर आप कृषि का उत्पादन करते हो और यही सेटल्ड एग्रीकल्चर से आते हैं किंगडम्स. किंगडम की सबसे मुख्य बात है, आज दुर्भाग्यवश राजाओं को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, पर किंगडम्स में राजाशाही में बर्थ बेस्ड हायरार्की, जन्म से ही आप नीचे हो, जन्म से ही आप ऊपर हो, विच इज ए टोटली एंटी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटरनिटी. तो धर्म के नाम के राष्ट्रवाद, धर्म के नाम की राजनीति, वो हिंदू नेशनलिज्म के नाम पे हो, इस्लामिक नेशनलिज्म के नाम पे हो, या क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म के नाम पे हो, दे ऑल ट्राई टू ब्रिंग इन द वैल्यूज फ्रॉम अर्लियर टाइम्स इन द मॉडर्न टाइम. जबकि इंडियन नेशनलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये भविष्य की बात करते हैं. हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां सभी लोग इज्जत से, डिग्निटी से, बराबरी से अपने अधिकारों के लिए जी सके. Clash is not between Hinduism and Islam. Clash is not between Hinduism and Christianity. Clash is between two set of political values. What political values? Which are enshrined in the Constitution of India in the form of equality, liberty, fraternity. और इस values को थोड़ा और गहराई से देख लीजिए. एक ही value को analyze कीजिए. जब हम equality की बात करते हैं तो बताइए equality का क्या मतलब होता है? Equality का मतलब होता है citizenship right. और सिटीजनशिप राइट की जब हम बात करते हैं तो इक्वालिटी में हमारा कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, हम स्त्री हो या पुरुष हो, हम बंगाली हो या मराठी हो, एज सिटीजंस हमारे राइट्स एक समान हैं. देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. और जब पुराने समय की बात करते हैं तो अपने पुराने ग्रंथों को याद करते हैं. उन ग्रंथों में जो मूल्य थे वो मूल्य बराबरी के नहीं थे. तो मानव समाज प्रगति करता है, आगे जाता है, और इस आगे जाने की प्रक्रिया में एक भारतीय राष्ट्रवाद, सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म. और मैं आप नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहूंगा कि आप तर्कपूर्ण सोच से समाज को बनाने की बात कीजिए. यूज रैशनल साइंटिफिक थिंकिंग एज टू हाउ ए बेटर सोसाइटी कैन बी मेड. और उसके लिए मैंने अपने लिए तीन रास्ते चुने हैं, तीन आधार चुने हैं. आई वुड लाइक टू शेयर विद देम. आपको अच्छा लगे तो आप भी इसके बारे में सोच सकते हैं. ये मेरे तीन आधार कौन हैं? मेरा पहला आधार है सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों का आदर करना और उसको अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करना. दिस इज माई फर्स्ट प्रिंसिपल. दूसरा प्रिंसिपल क्या है? आजादी के आंदोलन के दौरान जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मूल्यों के आधार पे भारतीय आंदोलन बना, उन मूल्यों के आधार पे हम आज की राजनीति को करें और उसी राजनीति को सही करें जो इन आधार पे है, जो भारतीय राष्ट्रवाद के आधार पे है, जो धर्म वाले राष्ट्रवाद से अपने आप को दूर रखती है. और तीसरा, प्रगति के लिए हमेशा एक सामने एक अच्छा लक्ष्य रखना चाहिए. तो आज हमारे आगे जाने का लक्ष्य क्या है? हमारे आगे जाने का लक्ष्य होना चाहिए इससे भी बेहतर. और उससे बेहतर जो है, मानव समाज ने ऑलरेडी उसको एक बड़े डॉक्यूमेंट के रूप में रखा है और उस डॉक्यूमेंट का नाम है यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एक देश के लिए बात नहीं करता, ये पूरी मानवता की बात करता है. और क्या बात करता है? कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उस हर एक व्यक्ति को पूरी इज्जत से जीने का अधिकार है. एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. आई थैंक यू वेरी मच. आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस ऑपर्चुनिटी एंड
which I made, you will try to integrate in your system of thought and go ahead in your life and in society. Thank you very much. सेक्युलरिज्म वर्ड का डिस्क्रिप्शन नहीं था या फिर ये टर्म को इंसर्ट नहीं किया गया।
जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत तरह की चर्चा हुई थी और बड़ा लिंग्विस्टिक आधार पर भी चर्चा हुई थी, डिबेट हुई थी, बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हुआ था। तो 42वें अमेंडमेंट में सेक्युलरिज्म को लाया गया, जबकि मैं देखता हूँ कि सेक्युलरिज्म जो टर्म है वो डार्क एजेस में आया, इसके लिए आया। तो क्या जरूरत थी कि हमारे देश में ये इसको इतना लाया गया? ये एक पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड का कारण था, पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड का कारण था। उसके सारे प्रोविजन सेक्युलर है, आप क्रिमिनल जस्टिस दीजिए, सिविल जस्टिस दीजिए, एवरीथिंग बेस्ड ऑन सेक्युलर प्रिंसिपल, राइट? एंड आर्टिकल 19 टू 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव फुल सेक्युलरिज्म इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। स्टिल देन व्हाई ड्यूरिंग 75-77 पीरियड व्हाई द वर्ड सेक्युलरिज्म हैड टू बी ब्रॉट इन? पॉइंट इज अराउंड दैट टाइम कम्युनल फोर्सेस स्टार्टेड कमिंग अप स्ट्रॉन्गली। All those forces which were very weak during freedom movement started asserting them very powerfully. वो ज़्यादा शक्तिशाली होते गए, इसलिए जानबूझकर ये शब्द सेक्युलरिज्म को re-emphasize करने के लिए आया। जैसे उसको कहते हैं ना icing on the cake, आप एग्जाम के समय जाते हैं, पूरी प्रिपरेशन करके जाते हैं पर आखिर तक पढ़ते रहते हैं, कोशिश करते हैं इसको और कैसे इम्प्रोवाइज करूँ। तो सेक्युलरिज्म वर्ड्स बिलीव वॉर जस्ट टू स्ट्रेंथन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। That is the point I would like to make. Finally, I know in this short time I can't answer your questions at length. If you don't mind, I can tell you I'll be happy to answer all your questions if you can send me an email. And my email, so my father Nishant has got ram.puniyani@gmail.com. You can follow my website rulerindia.com. You can follow me on the Facebook. These issues I keep relating, and at individual level also, I'll be very happy to engage with all of you on these issues. But I'm saying this for the brevity of time, because I can see the tension of your principal, he's feeling the stress that I am bringing in here. So, you are most welcome to interact with me through email particularly. Okay? Thank you.